CH3CONS2 का IUPAC नेम लिखना सीखेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका CONS2 क्या है, एमाइड है, और एमाइड का हम सफिक्स क्या यूज करते हैं दोस्तों, एमाइड ही यूज करते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, CH3 पर डबल बॉन्ड O और यहाँ आपका NS2 जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन है, 1, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम दोस्तों क्या शब्द यूज़ करते हैं, आपका एथ शब्द यूज़ करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आपका सफिक्स क्या आएगा, एल्केन के लिए ANE आएगा, लेकिन इसके साथ इस एमाइड का भी सफिक्स आएगा, क्या एमाइड। तो जब ये आएगा इसका ई गायब हो जाएगा, इसके साथ केवल क्या आएगा, AN, और इसके बाद जुड़ जाएगा आपका एमाइड। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आपका IUPAC नेम बन जाता है एथेन एमाइड। और इसका कॉमन नेम है आपका, देखिए 2 कार्बन के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, एसिड, और उसके बाद आपका एमाइड लिख देने से ये इसका कॉमन नेम और ये इसका आपका IUPAC नेम। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।